नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या आप लोग जी फाइव ऐप का यूज करते हो? अगर आप लोग जी फाइव ऐप का यूज करते हो तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जी फाइव ऐप का हमेशा अपडेट आता ही रहता है। लगभग एक सप्ताह या दो सप्ताह या एक मंथ में उसका नया अपडेट आ ही जाता है, जिसे अपडेट करना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप लोग जी फाइव ऐप को अपडेट नहीं करोगे तो आप लोग जी फाइव ऐप का यूज सही से नहीं कर सकते हो, इसलिए अपडेट करना बहुत ही जरूरी होता है। और साथ ही में जब भी जी फाइव ऐप का कोई नया अपडेट आता है तो उसमें आप लोग कुछ नए नए फीचर देखने को मिलते ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कब G5F का नया अपडेट आया या नहीं आया। इसलिए मैं आप लोगों के साथ यह वीडियो को शेयर करना चाहता हूं। इस वीडियो में आप लोग के कैसे सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जिसको अगर आप लोग इनेबल कर दोगे तो आप लोगों का जो G5F होगा वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, उसे अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप लोग ऐसे सेटिंग के बारे में जानना चाहते हो? अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप लोग एंड्रॉइड पे करके दिखाऊंगा। अगर आप लोग टीवी का यूज करते हो या आईफोन या आईपैड का यूज करते हो तो उसमें अपडेट कैसे करोगे, ये भी मैं आप लोग को इस वीडियो के लास्ट टाइम बता दूंगा। तो अगर आप लोग को जानना है सीखना होगा तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिएगा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद ऊपर में आप लोग का प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग एक ऑप्शन मिल जाता है माय एप्स एंड गेम्स, इस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग अपडेट और इंस्टॉल लाइब्रेरी और शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो भी आप लोग यहाँ पे G5 का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप लोग इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी आप लोग G5 ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप लोग G5 ऐप को डाउनलोड करके रखे होगे तो। उसके बाद आप लोग को G5 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका नया अपडेट अभी आ चुका है। ऊपर में आप लोग 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनेबल ऑटो अपडेट का आप लोग यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप लोग की सेटिंग को इनेबल करना होगा तो इस पर आप लोग केवल टिक कर देना होगा। अगर आप लोग इनेबल ऑटो अपडेट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो आप लोग फिर G5 ऐप को अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग का जो G5 होगा वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। नहीं तो आप लोग अपने प्ले स्टोर को ओपन करके हमेशा आप लोग को चेक करना पड़ेगा कि कब G5 ऐप का नया अपडेट आया या नहीं आया। आया होगा तो आप लोग उसको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग उसको अपडेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अभी अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यह जो अपडेट है वह 13 से ज़्यादा MB का है, यानी 13.19 MB का यह अपडेट है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं आता है, छोटा छोटा अपडेट आता रहता है और इसमें आप लोग कुछ ना कुछ नया नया फीचर हमेशा देखने को मिलता ही रहता है। तो ऐसे आप लोग G5 ऐप का अपडेट बहुत ही आसानी तरीका से कर सकते हो, या ऊपर में आप लोग 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा तो उस पर क्लिक करके आप लोग इनेबल ऑटो अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। आप लोग का जो G5 होगा वो ऑटोमेटिक अपडेट होता ही रहेगा। तो काफ़ी आसान सेटिंग है, आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं होगा तो आप लोग वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो G5 होगा वो अपडेट होने के बाद इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप लोग का जो G5 होगा वो आप पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। उसके बाद अगर आप लोग G5 ऐप का यूज अगर आप लोग आईफोन या आईपैड या किसी टीवी में करते हो तो उसे आप लोग कैसे अपडेट करोगे, इसका वीडियो आप लोग को इस वीडियो के लास्ट में अभी देखने को मिल ही जाएगा। तो उसे मैं आप लोग को अभी प्ले करके दिखा देता हूँ। आप लोग काफ़ी आसानी तरीका से उस वीडियो को थोड़ा रोक रोक के देख लीजिएगा, यानी स्लो में देख लीजिएगा, आप लोगों का सारे सेटिंग समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी तो मेरे पास आईफोन या आईपैड या कोई टीवी नहीं है जो कि मैं आप लोग को वहाँ पे ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, वहाँ पे आप लोग सारी बातें समझ में आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। करके प्रॉब्लम होती है आईफोन या आईपैड या टीवी में अपडेट करने में, वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह का अपडेट आप लोग के इस चैनल पर हमेशा मिलता रहता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे, वादिन सुबह, टेक केयर एंड तरह दोस्तों।